शादी को यादगार बनाने के लिए लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। खूब नाच गाना होता है, देर रात तक जश्न चलता है। बैंड बाजा घोड़ी और लंबा चौड़ा शामियाना तक की व्यवस्था की जाती है। मगर यह शादी इन सब मामलों में मिसाल बन गई। महज 17 मिनट में एक जोड़ा हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का हो गया। बारातियों को महज चाय और बिस्किट का नाश्ता करवाया गया। शादी के नाम पर कोई फिजूल खर्ची नहीं हुई। मामला राजस्थान के सीकर जिले के कावंट कस्बे का है। यहाँ पर सोमवार को मिथुन दास और मांडला की ठाणी निवासी मीना की शादी हुई। शादी के लिए निजी शिक्षण संस्थान को चुना गया, जिसमें बेहद सादगी भरे माहौल में शादी संपन्न हुई। भारत में कावंट निवासी मिथुन दास के नजदीकी रिश्तेदार और परिवार के लोग शामिल हुए, जिसमें दुल्हन पक्ष की ओर से नाश्ते में चाय और बिस्कुट दिया गया। दरअसल दूल्हा और दुल्हन का परिवार संत रामपाल का अनुयायी है। संत रामपाल शादी के नाम पर फिजूल खर्ची को रोकने का संदेश देते हैं। ऐसे में शिक्षण संस्थान में एक तरफ संत रामपाल के प्रवचन चलते रहे और दूसरी तरफ सादगी से शादी की रस्में निभाई जा रही थी। दूल्हा दुल्हन जमीन पर चटाई बिछाकर बैठे और मात्र 17 मिनट की रस्मों के बाद एक दूसरे के हमसफर बन गए। दुल्हन मीना के चचेरे भाई ने बताया कि बिना खर्च के शादी करके उनके परिवार ने समाज में अनोखा संदेश दिया है, जिस पर हम सबको गर्व है। शादी के नाम पर फिजूल खर्ची को रोका जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।